भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। एक दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13,52,00,000 बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15,00,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 2,00,000 करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराए था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है।